एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक में स्थित पीपली दाऊद गांव पहुंची। इस समय कमलेश देवी को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 310 राशन कार्ड धारक हैं, साथ ही 11 विधवा पेंशन लाभार्थी, 25 वृद्धा पेंशन लाभार्थी तथा 2 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 28 हैंडपंप लगवाए गए हैं, 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 60 विद्युत 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 99 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पशु चिकित्सालय, स्कूल की बाउंड्री, पानी की टंकी, खेल का मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान गांव में विकास कार्य कराने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, लेकिन राज्य सरकार व केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि समय से न मिल पाने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। और साथ ही ग्राम प्रधान ने सरकार से मांग की है कि 20 बीघा जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराएं। देखिए, इतना पैसा तो मिल नहीं पा रहा जो हम इतना विकास कर पाए, इसलिए गांव पिछड़ गया है। इंदिरा आवास है, कोई भी नहीं बना हमारे, प्रधानमंत्री आवास कोई नहीं बना है, पानी की निकासी की दिक्कत है, इतना पैसा नहीं मिल पाता जो इतना विकास कर दें, हैंडपंप की आवश्यकता है, बाउंड्री नहीं है, इतना पैसा वो हम लोग उसको करा दें, इंटरलॉकिंग नहीं है स्कूल के अंदर, पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण पैसे की आवश्यकता है, एक हम पशु चिकित्सालय चाहते हैं जैसे काफ़ी दूर ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक मुख्यालय जो कोई बात हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, पशु पहले भी मांग की थी लेकिन नहीं मिल पाया, जैसे कि अब हम पानी की टंकी की मांग कर रहे हैं, हम जल वृद्धा पेंशन है बहुत कम है, लोगों को दिक्कत है अपने पालन पोषण करने में।